हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज उदय दिस साइड और वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ आज पूरा दिन का प्लान, और हम लोग विजिट करेंगे बहुत सारे प्लेस, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। अभी फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 8:53 और चलिए देखते हैं आज का ब्रेकफास्ट में क्या है। तो दोस्तों, आज का जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में इडली है, इडली खाना होगा। और यार दोस्तों, अभी हो गया हम लोग का ब्रेकफास्ट। यहाँ पे श्रद्धा अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, मम्मी पूजा करके जस्ट आई अभी, और वो भी अपना इडली फिनिश करने वाली है। और यहाँ पे मेरे बड़े भाई जो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पेशे से बॉडी बिल्डर है, तो इसीलिए बॉडी इनका बहुत ही दमदार वाला है। और आज का जो प्लान है, वो हमारा जो एक डॉगी है जिसका नाम जोजो है, तो उसको हम लोग जाएंगे वेटरनरी के पास। उसका थोड़ा सा पाँव में किसी ने काट दिया था, किसी और दूसरे डॉग ने काट दिया था, तो उसको थोड़ा सा इलाज कराएंगे और आपको दिखाएंगे कहाँ पे हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। ये पूरा व्लॉग बनने वाला है। तो दोस्तों, यही है मेरा जो डॉगी है, इसका नाम है जोजो, और इसके पाँव आप देख सकते हो बहुत ही बुरी तरह से इसको काटा गया है। तो इसको लेके जाएंगे वेटरनरी के पास और इसका थोड़ा सा मरहम पट्टी करेंगे। इसको गाड़ी में लेके जाएंगे, तो इसका पहले मुंह बांध लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। भैया थोड़ा सा ये हाथ करने का जो जो मैंने वो रख दिया है इस तरह। जब भी आप अपने डॉगी को कहीं भी ट्रैवल करा रहे हो, तो इस तरह का एक, ताकि किसी को ना काटे, ऐसा वो कुछ आप जरूर रखेगा। इसको अभी लगा देंगे, लगा देने के बाद थोड़ा सा उसके जो घाव है, घाव में थोड़ा सा ट्रैप बांध देंगे, ताकि इसका जो पीप वगैरह जो होता है, जो मैला इसका जो खून है, वो इसका थोड़ा सा इसमें लपेट देंगे इसको, ताकि और मेला ना लगे। और वैसे भी अभी वेटरनरी के पास जाएंगे, तो वो भी इसका अच्छे से इलाज कर देंगे। अभी ये टेम्परेरी इसको बांध लेते हैं चेन। और इसको इतना कर देंगे, इसको लगा देंगे चेन। इसी का चेन है ये, इसका गले में डाल देंगे और साथ ही इसको ऐसे कर देंगे। और ये डर रहा है जाने में, खराब है। तो ये घुस गया है, अब चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हो गया है सुबह के 9:55 और हम लोग निकलने वाले हैं। मैं और भैया जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, और भीतर है हमारा जोजो डॉगी है। आपको बहुत बड़े आराम से वो बैठा हुआ है, वो निकलने का पूर्ण तैयारी में है, लेकिन उसको अभी मैं इतनी होगा देखो छू है ना। और चलिए आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर। देखिए गाइस, जोजो को आराम से बैठा हुआ,
लेकिन उसको थोड़ा सा पेन हो रहा है शायद, इसीलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी बहुत ही आराम से वो बैठा हुआ है। और जब थोड़ा सा रोड डिस्टर्ब हो रहा है तो वो भी थोड़ा सा उत्तेजित हो रहा है, लेकिन वैसे तो बहुत ही अच्छे से बैठा हुआ है वो। आप क्या बोलते हैं भैया? हाँ क्या करेंगे, उसको लेके जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसका काफ़ी तबीयत ख़राब होने लगा है, चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, और इसलिए आज हम लोग को मौका मिला लेके जाते हैं, देखो डॉक्टर क्या मिलेगा, और आई थिंक ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चलिए फिर से रोड पे आपका ध्यान लेके जाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए, भैया ने थोड़ा सा गेट खोल दिया है, और अभी लगभग हो रहा है हमारा, हम लोग ने ड्राइव कर लिया है 29 किलोमीटर और पहुंच गए हैं मेदिनीपुर, और ये बड़े आराम से बैठा हुआ है। भैया को थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा बैठ जाइए बैठ जाइए, यही लग रहा है, सामने वाला ही लग रहा है, आप बैठ जाइए ना, देखते हैं। पीछे भी और कोई आ रहा है, कुत्ते को लेके आ रहे हैं। हाँ इसका मतलब ये है, तो देख करके हम कंफर्म आ रहा है। पीछे भी और एक आ रहा है गाड़ी में कुत्ते को लेके, वो वाला है या ये वाला है? आशा पोनी देखते हैं, उनको ही पूछ लेते हैं, यहीं पे गाड़ी शायद रख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, देखते हैं इसका जो डॉक्टर है आया है या नहीं। यहाँ वैसे तो बहुत भीतर आ भैया निकाल रहा है जो को, एक्चुअली नया एरिया है तो हिंदे से इधर ना, तो इधर ना, तो बड़े आराम से ये भी जा रहा है, जैसे इसको भी पता हो कि डॉक्टर के पास जा रहा है ये। थुप्रे कुकुर छ होला कि त्यो कुकुरहरू, यहाँ पे और दूसरे डॉगीज क्या हुआ था उनको? अच्छा बुखार आया हुआ है, चल 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 भीतर चल। बोकिहाल्नु त यसलाई, त्यो अरू कुत्ताको गन्ध आउँदैछ कि यसलाई, यसलाई भन्नुपर्छ कि यो अर्को कुत्ताले टोकेको पनि थियो, अन्त अगर इन्जेक्सनहरू लगाउनु पऱ्यो भने त्यो पनि लगाउनु पर्छ। तपाईँको छोरी भैयाको साथ आरामसे बैठा हुआ है वो, खडा है वो। हेलो लैप, इसका नाम क्या है भैया? डोडो। अरे वाह,
मीट योर न्यू फ्रेंड जोजो, ये डोडो वो जोजो। तो दोस्तों इसका हो गया है यहाँ पे इसका टिकट, इसका दावा बहुत सारा दिया है। चलिए भैया निकलते हैं। दादा क्यों कैसा लग रहा है? अरे वाह, हेलो। तो दोस्तों इसका अभी हो गया है इलाज, प्रेस्क्रिप्शन दे दिया है, तो इसको लेके जाने ये अभी जो स्टोर है वहाँ से इसका दवाई वगैरह ले लेंगे। दवाई लेने के बाद फिर जाएंगे मोबाइल को बनाने के लिए। चलिए चलते हैं। हमारा तो दोस्तों इसका अभी हो गया है इलाज और अब हम लोग निकलेंगे फोन का इलाज करने के लिए, फोन के डॉक्टर के पास। जो है वो है सैमसंग केयर जाएंगे। इसको देखिए ये बहुत पैनिक हो रहा है, एक्चुअली इसको इंजेक्शन लगा हुआ है तो थोड़ा सा पैनिक हो रहा है। कोई नहीं, लो जो बस, लो बस, इधर आता यार, पकड़ जाता क्या सर, ओए जो जो दोस्तों हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं घर और ये बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है जोजो और सामने से आ रहा है गाड़ी, तो चलिए फिर से माउंट कर देते। तो हम लोग पहुंच गए हैं और करीब हम लोग ने 63.2 किलोमीटर गाड़ी चला लिया है और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 2:40 और 2:40 में हम लोग आ चुके हैं और ये जो जोजो है वो देख रहा है कि कब मुझे खोला जाएगा, कब मैं बाहर निकलूं, देख रहा है। तो चलिए ये देखिए भैया ने इसको निकाल लिया है, खोल देना वो चेन निकाल देने इसको। बहुत लंबा सफर इसने तय किया आज, पट्टी भी खोल देना। खोलने भी दे टोके ने टोके बने कस कस आता जाता था। सो हेलो गाइस, तो हो गया है रात और सुबह हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेवल किए आज। पहले तो गए अपने जोजो जो मेरा डॉगी है, डॉगी को लेके गया, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उसका पाँव में चोट लगा था तो उसका थोड़ा सा मरहम पट्टी किए और फिर वहाँ से हम लोग गए थे सैमसंग का केयर, क्योंकि मेरा जो सैमसंग का A20 मोबाइल है, जो ये मोबाइल था, जो मेरा A20 का मोबाइल था वो हो गया था ख़राब और उसके चलते मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा था, तो उसको बनाने दिया और
उस वो वाला जो वीडियो है वो मैं अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। इसी से कुछ पार्ट्स मैंने मतलब डिलीट तो नहीं, उससे कुछ पार्ट एडिट करके मैंने रख दिया था अगले वीडियोस के लिए। तो दोनों को एक साथ जब मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ और जब मैं वो देने गया था, दोनों को एक साथ करके आपको दिखाऊंगा, ताकि क्या उससे क्या होगा ना, मतलब दो अलग अलग कंटेंट मुझे मिल जाएंगे। तो ये वाला जो वीडियो था इसमें सिर्फ मैंने आपको वही दिखाया कि कैसे मैं अपने डॉग को मेदनापुर लेके जाके वहाँ पे उसका थोड़ा बहुत इलाज वगैरह कराया और जो भी दवाई वगैरह है उसको ठीक टाइम से अभी देना स्टार्ट हो चुका है। और आशा करता हूँ आगे आने वाले वीडियोस में आप उसको देख पाओगे कि वो बहुत अच्छे से अपने पाँव को मूवमेंट कर पाएगा। और यही कहते हुए इस वाले व्लॉग के वीडियो को एंड करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए, और सपोर्ट कीजिएगा ऐसे ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।